साथियों, पुणे के सभी नागरिकों को मेरा सलाम। खासकर यहाँ पे जो संघर्षशील युवा साथी मौजूद हैं उनको मेरा खास सलाम। उन्हीं से उम्मीद है शिक्षा में तब्दीली की। ये शहर शिक्षण माफिया का नहीं है, शिक्षण सम्राटों का नहीं है, ये शहर सावित्रीबाई फुले का है। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में इस शहर में लड़कियों का स्कूल शुरू करके आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का सूत्रपात किया और साथ में मैकॉले की शिक्षा के तीनों सिद्धांतों को चुनौती दी। वो कौन से तीन सिद्धांत हैं जिनको सावित्रीबाई फुले ने चुनौती दी? पहला सिद्धांत सावित्रीबाई फुले का कि जिस देश में हम राज कर रहे हैं उसकी किसी भी भाषा में यह क्षमता नहीं है कि वो आधुनिक ज्ञान को व्यक्त कर सके। और साथ में ये भी कहा, जिसका असर आज तक भारत के जनमानस पर देखा जा सकता है, कि अरब से लेके भारत तक पिछले 5000 सालों में जितना ज्ञान पैदा किया गया वो किसी भी यूरोप की किसी भी आधुनिक लाइब्रेरी के एक अलमारी के एक शेल्फ में समा जाएगा। ये कह के उन्होंने आने वाले सैकड़ों साल तक भारत के जनमानस में एक हीन भावना पैदा की। सफलतापूर्वक आज भी वो हीन भावना है। जब तक विदेशी और खासकर पश्चिमी ज्ञान की मोहर नहीं लग जाती तब तक वो ज्ञान नहीं माना जाता। सावित्रीबाई फुले ने इसलिए कि मराठी में नहीं मोड़ी में पाठ्यपुस्तकें तैयार की और चुनौती दी इन दोनों सिद्धांतों को। मैकॉले का अगला सिद्धांत था कि हमारे पास, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब 1835 में, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इस देश के पूरी जनता को हम शिक्षित कर सकें, इसलिए हम इसमें से चंद एक चुने हुए लोगों को चुनेंगे, उच्च वर्गों से और ऊंची जातियों से, उच्च वर्गों से और ऊंची जातियों से, दोनों से हम चुनेंगे, क्योंकि भारत में हमेशा ये उच्च वर्ग और उच्च जाति लगभग एक जैसे ही रहे, और वो हमारे और जनता के बीच में एक बिचौलिए का काम करेंगे। उनके चमड़ी का रंग तो वही होगा जो देश के, इस देश के करोड़ों लोगों का है, लेकिन उनके सोचने का ढंग, उनका रुझान और उनकी कटिबद्धता ब्रिटिश राज के साथ होगी। तो लड़कियों का ये जो स्कूल 1848 में पुणे में सावित्रीबाई ने शुरू किया उसके ठीक उलट था। उसमें बिचौलिए तैयार नहीं किए जा रहे थे, उसमें देश के सबसे गरीब तबके के लोगों को, सबसे निचली जाति के बच्चों को, बच्चियों को, और सबसे निचले वर्ग के बच्चियों को शिक्षित करके एक नई चेतना दी जा रही थी मैकॉले को चुनौती देने के लिए। हम उनको सलाम करते हैं। हम महात्मा ज्योतिराव फुले को भी सलाम करते हैं, क्योंकि सन 1882 में उन्होंने जब ब्रिटिश राज के द्वारा बनाए गए पहले शिक्षा आयोग को, जिसको हंटर आयोग के रूप में नाम से जाना जाता है, अपने प्रतिवेदन में, मेमोरेंडम में गजब की बातें कहीं। उस सबको याद करने का भी समय नहीं है, पर आप में से अगर उस प्रतिवेदन को लोगों ने पढ़ा नहीं है, ऐतिहासिक प्रतिवेदन है वो, अगर पढ़ा नहीं तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ज़रूर उसको घर पहुँच के इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, वो नहीं हो सकता तो कल प्राप्त कर लीजिए और उसको पढ़िए। वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन्होंने ब्रिटिश राज की एकदम शुरुआती सालों में जितनी शिक्षा को लेकर दावे थे सबकी पोल खोली। उन्होंने कहा अपने शुरुआती वाक्यों में कि बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की कि जो राजस्व ब्रिटिश राज इकट्ठा करता है वो देश के मेहनतकश आवाम के की गाढ़ी कमाई होता है, किसानों की, मजदूरों की, उनके उत्पादन से निकलता है, लेकिन जब उसको खर्च किया जाता है उसका लाभ केवल उच्च वर्ग और उच्च वर्ण के लोगों को मिलता है। ये बात अगर ब्रिटिश राज के समय सच थी तो अभी
कुछ आंकड़ों का जिक्र जरूर किया नीरज ने, वो मैं भी कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, वो आज भी उतना ही सच है जितना 1882 में सच था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो शिक्षक ब्रिटिश राज नियुक्त कर रहा है हमारे स्कूलों में, वो शिक्षक देश के उस उत्पादक वर्ग से निकल के नहीं आते जो देश का उत्पादन करता है, वो उस वर्ग से निकल के आते हैं जो उत्पादन से कटा हुआ है। इसलिए वो हल नहीं पकड़ सकता, हल की मूठ नहीं पकड़ सकता, वो बड़ई की जो आरी है वो नहीं चला सकता। वो ऐसे शिक्षक किस तरह से सबसे उत्पादनशील वर्ग जो है भारत का, पिछड़ी जातियों का और पिछड़े वर्गों का, उनके बच्चों को कैसे शिक्षित कर पाएंगे कि उनके और बच्चों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं बैठेगा, कोई तालमेल नहीं बैठेगा। ये बात जितनी जोर से हम आज अब कह सकें उतनी जोर से कहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा, जिसको बहुत कम लोग महाराष्ट्र में भी याद नहीं रखते हैं, वो लोग समझते हैं कि पूरा का पूरा प्रतिवेदन केवल प्राथमिक शिक्षा पे था, उस प्राथमिक शिक्षा पे फोकस जरूर था, लेकिन वो अंतिम हिस्सों में याद दिलाते हैं कि कोई भी मुल्क जिसकी उच्च शिक्षा सभी वर्गों और सभी वर्णों को, सभी जातियों को उपलब्ध नहीं है, वो मुल्क कभी विकसित नहीं हो सकता। और उच्च शिक्षा वो क्षेत्र है जहाँ पे ज्ञान का उत्पादन होता है, उस ज्ञान के उत्पादन के सहारे प्राथमिक शिक्षा भी चलती है। इसलिए उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और उसको पूरी तरीके से राज्य, उस समय का ब्रिटिश राज, आज का राज्य, आज की सरकार अगर समर्थन नहीं देती है तो वो जनता के प्रति जवाबदेही अपनी पूरा नहीं कर पाएगी उच्च शिक्षा के लिए। तो यहाँ के पुणे के सब शिक्षण सम्राटों को ज्योतिराव फुले ने ये चुनौती 1882 में दी थी। हम उनको सलाम करते हैं, हम दादा भाई नौरोजी को भी सलाम करते हैं जिन्होंने 1890 के दशक में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रखा शिक्षा का, कि जब तक इस देश में गरीबी रहेगी तब तक गरीब देश कभी भी शिक्षित नहीं हो पाएगा। देश आज भी गरीब है और यहाँ ये कहना जरूरी है कि देश की सरकार और देश का शासक वर्ग अमीर है, धनाढ्य है, पर देश की जनता गरीब है। ये विडम्बना दादाभाई नौरोजी ने लिखा उस समय, अगर ये दूर नहीं की जाएगी तो देश कभी शिक्षित नहीं हो पाएगा, आज 2014 में भी बात सही है। हम राजर्षि साहू जी को भी सलाम करते हैं जिन्होंने एक छोटी सी रियासत कोल्हापुर नाम की, उस रियासत में उन्होंने एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था खड़ी की जो आज भी हमारे लिए सपना है, आज भी हमारे लड़ाई का उद्देश्य है, मकसद है, वह समान शिक्षण व्यवस्था, पूरे रियासत के हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए एक समान स्कूल व्यवस्था, समान कॉलेज व्यवस्था उन्होंने स्थापित की और पूरी तौर पर मुफ्त। जो अभी नारा आपने सुना नीरज से, केजी से पीजी तक राज्य के द्वारा वित्त पोषित और पूरी तौर पर मुफ्त शिक्षण व्यवस्था उन्होंने खड़ी की। उसके बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत शोध हुआ है उसके ऊपर और हर खोज दिखाती है कि कितनी दूरदृष्टि थी राजर्षि साहू जी महाराज की। पर उसकी एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो यह है कि उस छोटी सी रियासत में कोल्हापुर में जितना पैसा शिक्षा व्यवस्था पर वो रियासत खर्च कर रही थी, वो पैसा ब्रिटिश राज के द्वारा पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिसमें वर्तमान गुजरात, वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक के कई जिले और वर्तमान तेलंगाना के कई जिले शामिल हैं, उस पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो ब्रिटिश राज खर्च करता था उससे ज़्यादा अकेले कोल्हापुर में खर्च होता था। तो लोग बार बार कहते हैं पैसा नहीं है, आज भी सब बोल रहे हैं पैसा नहीं है सबको शिक्षित करने के लिए। याद करें कोल्हापुर की रियासत में वो क्षमता थी और ये भी क्षमता थी कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक युवा के रूप में पहचाना और उनको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा, वजीफा देकर। और बहुत बड़ा योगदान उस वजीफे के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करेंगे इस समय, 1916 में जब उन्होंने एक पीएचडी के विद्यार्थी के रूप में एक एंथ्रोपोलॉजी के सेमिनार में एक अपना पर्चा पेश किया जिसका नाम था भारत में जातियां, ऐतिहासिक शोध उस नौजवान ने किया। और उसमें उन्होंने दिखाया जो बात हम सोच ही नहीं सकते आज भी
हैरानी होती कि 1916 में उन्होंने अपने युग से आगे बढ़ के ये बात समझ ली कि जो पितृसत्ता है उसकी जड़ें भारत की जाति व्यवस्था में हैं, और भारत की तमाम जातियों में जो निचली जातियां हैं उन जातियों में ये पितृसत्ता ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नीचे रिस रिस के आती है और उन पर थोपी जाती है, उन पर राज करती है। और जब तक जाति व्यवस्था नहीं तोड़ी जाएगी तब तक पितृसत्ता नहीं टूटेगी, और पितृसत्ता और जाति व्यवस्था का ये जो कड़ी है इसको एक ऐतिहासिक रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने युवा काल में पहचाना, स्थापित किया। कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इस बात का, 1916 की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पे ज्योतिराव फुले को फिर याद करने की जरूरत है, उनको उनके आप गुलामगिरी पढ़िए, पढ़ते हुए ये लगता है कि ये एक बुद्धिजीवी है जो अपने युग से बहुत आगे की बात कर रहा है। और मैं ग्राम्सी को इसमें जोड़ूंगा, ग्राम्सी ने जब ये बहुत बाद में जब ये कहा कि हर युग में हर वर्ग में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल शब्द उसने इस्तेमाल किया, उसको हम नैसर्गिक बुद्धिजीवी बोलते हैं, या सरल भाषा में और कहें तो जमीन से जुड़े हुए बुद्धिजीवी। ज्योतिराव फुले भारत के शायद पहले जमीन से जुड़े हुए बुद्धिजीवी थे, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल थे। मैं इसलिए इस समय ज्योतिराव फुले को जोड़ रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर की उस शोध पत्र से भारत में जाति व्यवस्था, क्योंकि ज्योतिराव फुले ने इस बात को पहचाना कि भारत का इतिहास जाति संघर्ष का इतिहास है, और इसी बात को समझकर बाबा साहब अम्बेडकर ने और आगे बढ़ाया, और वो सब आप लोग परिचित हैं, उसकी बात थोड़ी सी बात बाद में आएगी। इस संदर्भ में मैं शहीद भगत सिंह को याद करूंगा, पूरी हमारी आज़ादी की लड़ाई का इतिहास अद्भुत इतिहास है, शायद ही किसी औपनिवेशिक देश की आज़ादी की लड़ाई में शिक्षा को लेके और समाज व्यवस्था को लेके इतना गहरा चिंतन हुआ हो, और आज़ादी के बाद का कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी इतना स्पष्ट सपना देखा गया हो, यह अद्भुत इतिहास है भारत का। शहीद भगत सिंह ने 1928 में 21 साल की उम्र में अपना वो लेख लिखा जिसको पढ़ के विश्वास नहीं होता 21 साल का आदमी ऐसा लिख सकता है, अछूत का सवाल। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की का 1916 का पर्चा पढ़ा था, पढ़ा भी होगा तो मेरे पास प्रमाण नहीं है उसका। वो 1928 में लिखते हैं भगत सिंह कि जो अछूतों का सवाल है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की उपज है, और ये सामंती उत्पादन शैली से जुड़ा हुआ है, और पुनर्जन्म की अवधारणा, पुनर्जन्म की अवधारणा कि तुम अगर दलित पैदा हुए तो फिर भी दलित पैदा होगे जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाएगा, मोक्ष नहीं हो जाएगा, तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है ये सामंती उत्पादन शैली के खिलाफ अछूतों का, उस समय अछूत शब्द था, दलित बाद में आया है, अछूतों का विद्रोह न हो, अछूतों का विद्रोह दबा देने के लिए पुनर्जन्म की अवधारणा स्थापित की गई है। बहुत कम लोगों ने उस लेख को पढ़ा है इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। और तब उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि ये जो भेदभाव है भारत की सामाजिक व्यवस्था में निहित है, ये जमीन के वितरण से जुड़ा हुआ है, ये मजदूरी के सवाल से जुड़ा हुआ है, और ये शिक्षा में असमानता जो गैर बराबरी है उससे जुड़ा हुआ है। और फिर वो आगे अछूतों को आह्वान दे के बोलता है वो युवा भगत सिंह नाम का कि कभी भी तुम उच्च वर्गों और उच्च वर्णों के उपकार की इंतजार मत करना, उनके उपकार की इंतजार मत करना, तुम्हें संगठित होना पड़ेगा और अपने इस हक के लिए, जमीन के हक के लिए, मजदूरी के हक के लिए और तालीम के हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी, तभी तुम एक इंसान का जीवन जी पाओगे, इसलिए खड़े हो और लड़ाई शुरू करो। इसी तर्ज में 1930 के दशक में बाबा साहब अम्बेडकर यही बातों को दोहराते हैं और वो अपना मशहूर नारा देते हैं जो आज भी गूंजता है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। शिक्षा को संघर्ष से जोड़ना, संघर्ष को संगठन बनाने से जोड़ना, क्योंकि बिना संगठन के संघर्ष नहीं हो सकता और बिना शिक्षा के संघर्ष नहीं हो सकता, और संघर्ष और संघर्ष शिक्षा को आगे बढ़ाता है। जब संघर्ष होता है
तो शिक्षा भी आगे बढ़ती है, और शिक्षा में जो संघर्ष की चेतना होती है वो संघर्ष को आगे बढ़ाती है। इनका आपस का, तीनों विचारों का जो आपस का रिश्ता है, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने स्पष्ट रूप से 37 के दशक में स्थापित किया। इस कहानी में, आज़ादी की लड़ाई की इस शिक्षा की कहानी में, मैं अब गांधी का नाम ले रहा हूँ और गांधी को सलाम कर रहा हूँ। जब गांधी ने 1908 में हिंद स्वराज की रचना की, छोटी सी किताब जो दुनिया के तमाम भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, जिसको उन्होंने इंग्लैंड से भारत लौटते हुए जहाज के 3 सप्ताह के दौरान लिख दिया था, गुजराती में अपनी मातृभाषा में लिखा, उसके बाद वो अनुदित हुई है। उसमें जिस विमर्श को स्थापित किया गांधी ने, वो विमर्श साम्राज्यवादी विरोधी विमर्श था, और एक सभ्यता मूलक सवाल को उठाते हुए था कि जिस सभ्यता को थोपा जा रहा है आज भारत की जनता के ऊपर, वो थोपने की जो प्रक्रिया है, भारत को लंबे अरसे के लिए गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, उसको हमेशा के लिए हीन भावना से ग्रस्त करने वाली प्रक्रिया है, और इसलिए ये एक सभ्यता मूलक प्रश्न है कि भारत की सभ्यता क्या इसका प्रतिरोध कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये समाजवादी विरोध विमर्श आप हिंद स्वराज में पढ़ सकते हैं, और इसी के दौरान वो भाषा का सवाल बड़ी शिद्दत से उठाते हैं। उन्होंने कुछ हिसाब लगाया, उसका आधार मुझे मालूम नहीं कैसे लगाया उन्होंने, वो सवाल को, भाषा के सवाल को उठाते हुए कहते हैं, इस देश के बच्चों को इतनी ऊर्जा, इतनी अपनी ऊर्जा बिलावजह खर्च करनी पड़ती है अंग्रेजी को सीखने में, और उन्होंने हिसाब लगाया कि ये करोड़ों बच्चे जो रोज अंग्रेजी को सीखने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, यही ऊर्जा अगर वो आज़ादी की चेतना को समझने के लिए खर्च करते तो देश गुलाम नहीं रहता। उन्नीस सौ बीस में मेरा साल थोड़ा गड़बड़ होगा, वो तमिलनाडु गए और वहाँ पर एक अंग्रेजी माध्यम में चलने वाले, ब्रिटिश राज के अंग्रेजी माध्यम में चलने वाले कॉलेज में उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित किया, और उसमें उन्होंने पूछा कि आज़ादी की लड़ाई तुम तमिल में लड़ोगे या अंग्रेजी में लड़ोगे, तय करो। 1500 की, वो कह रहे 1500 की बात है, और पूरा हॉल गूंज उठा कि तमिल में लड़ेंगे। ये जो चेतना भाषा से जुड़ी, भाषा केवल संप्रेषण की नहीं है, भाषा केवल इंटरनेट की भाषा नहीं है, केवल गूगल की या विकिपीडिया की भाषा नहीं है, ये केवल कीबोर्ड से जुड़ी हुई भाषा नहीं है, भाषा इतिहास है, भाषा संस्कृति है, भाषा हमारी जनचेतना है, भाषा संघर्ष का आधार देती है, अभिव्यक्ति को मजबूत करती है। यदि कोई कहे इससे फर्क नहीं पड़ता किस भाषा में तुम क्या सीख रहे हो, किस भाषा में फिजिक्स सीखते हो, किस भाषा में केमिस्ट्री सीखते हो, किस में तुम राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र सीखते हो, किस में तुम भाषा विज्ञान सीखते हो, नॉम चॉम्स्की से पूछ लेना, भाषा विज्ञान से याद आ गया, नॉम चॉम्स्की से पूछ लेना कि भाषा विज्ञान किस भाषा में सीखे हुए, वो तय करेगा तुम्हारा भाषा विज्ञान तुमको गुलाम बनाएगा कि आज़ाद बनाएगा। उन्नीस सौ बीस में गांधी अपना ऐतिहासिक आह्वान देते हैं, जलियांवाला बाग 1919 का, उससे विचलित होकर गांधी ये आह्वान देते हैं कि जितने हमारे विद्यार्थी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा चलाए गए स्कूलों और कॉलेजों में और विद्यापीठों में पढ़ रहे हैं, वो वहां से बाहर निकल आए और राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रेरित, देश के उद्देश्यों से प्रेरित और समाज की जरूरतों को पूरा करने वाले शैक्षिक संस्थानों को खोलें और उसमें पढ़ाएं लिखाएं और खुद पढ़ें। उस आह्वान से प्रेरित होकर बहुत लोगों ने बड़ी संख्या में ब्रिटिश संस्थाओं को छोड़ा, उसमें मशहूर नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन का है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, एमए, वो गांधी से प्रेरित होकर बाहर निकले
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर उन्होंने एक छोटा सा कहीं कमरा किराए पे लिया होगा और वह उन्होंने घोषित कर दिया ये असली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। और वहां पर अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया हिंदुस्तानी जवाब में, अंग्रेजी में नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई उनको, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई कहेंगे कहां से टर्मिनोलॉजी आई, कहां से उन्होंने पढ़ा दुनिया, कहां उन्होंने एडम स्मिथ को पढ़ा, पढ़ लिया और हिंदुस्तानी में पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई उनको। देश भर में ये संस्थाएं खुली और एक ऐसी ही संस्था जो लाहौर में खुली नेशनल कॉलेज, उसमें वो युवा विद्यार्थी था जिसका नाम शहीद भगत सिंह है। वो लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज का विद्यार्थी नहीं था, वो लाहौर के नेशनल कॉलेज का विद्यार्थी था जो गांधी की प्रेरणा से बना था। इस बात को भगत सिंह भी जानते थे, दिल से जानते थे। जब गांधी का विरोध किया उन्होंने 1930 अपने फांसी के तख्ते पे झूलने के तुरंत पहले, जब उन्होंने गांधी का खुल के विरोध करना शुरू किया उनके साथियों ने भी, तब भी वो जानते थे कि गांधी की जो प्रेरणा थी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान खोलने की, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने की, ऐसी ही प्रेरणा से जो संस्थान बना है उसमें उन्होंने देश की चेतना से ओतप्रोत शिक्षा पाई है। शिक्षा उन्होंने राजनीति विज्ञान की पाई, इतिहास की पाई, साइंस की पाई, पर यह सब तब संभव होता है जब एक जन चेतना आजादी की होती है, साम्राज्यवाद के खिलाफ होती है। गांधी और अंबेडकर के बीच जो अंतर विरोध था वो सब जानते हैं, जाति के प्रश्न पे। और शायद ही हमारे आजादी की लड़ाई के इतिहास में इससे ज्यादा कोई तीखा अंतर विरोध, वैचारिक अंतर विरोध दर्ज हुआ है जो अंतर विरोध गांधी और अंबेडकर के बीच में था। 1932 का गांधी का उपवास अंबेडकर के इस विचार के खिलाफ कि जो चुनाव की प्रथा है वो पिछड़ी जातियों के लिए अलग प्रथा बनाई जाए, इसके खिलाफ उनका जो उपवास था, और अंबेडकर का उस समय उनसे बहस करना, अंत में पूरे देश की जनता के मानस को समझ के कि उपवास, गांधी का उपवास का मतलब वो आमरण अनशन है, उन्होंने उस समय थाम दिया अपना विवाद उनसे। लेकिन विवाद रुका नहीं, विवाद चलता रहा। 1936 में वो बात भी आप लोगों से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जब पंजाब के जाति तोड़ो मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया पंजाब में एक भाषण देने के लिए जनसभा में, तो बाबा साहब अम्बेडकर तो विद्वान व्यक्ति थे, अगर उनको बोलने जाना तो लिखते थे, क्या बोलेंगे, हमारे तरीके से आके बिना लिखे हुए नहीं बोलते थे। तो उन्होंने लिखा अपना पूरा भाषण और उन्होंने उसको डाक में डाल के, इंटरनेट तो था नहीं, तो डाक में डाल के भेज दिया पंजाब। और जाति तोड़ो मंडल के नेतृत्व ने जब पढ़ा तो उन्होंने, वो बहुत घबराए, उन्होंने वापस बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि आपका बाकी सारा भाषण तो उनको मंजूर है, इसके आखिरी एक दो सफ़ों में जो आपने लिखा है वो निकाल दीजिए। क्या था एक दो सफ़ों में, डॉक्टर अम्बेडकर ने उन एक दो सफ़ों में क्या लिखा था जिससे जाति तोड़ो मंडल, जो जाति तोड़ने के लिए तैयार था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, वो घबरा गया। उस आखिरी एक दो सफ़ों में ये लिखा था कि मेरा ये आखिरी भाषण होगा एक हिंदू होने के नाते। इसके बाद मैं हिंदू नहीं रहूंगा, क्या होगा ये तो नहीं बताया उन्होंने, मैं हिंदू नहीं रहूंगा क्योंकि जब तक मैं हिंदू हूं तब तक मैं उस जाति व्यवस्था से ग्रसित हूं जिसको वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था बोलते थे, और जब मैं ब्राह्मणवादी बोलूं मैं जरूर डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर मैं ये एक छोटा सा फुटनोट डालना चाहूंगा, जब मैं ब्राह्मणवादी बोलूं तो मैं यहां मौजूद ब्राह्मण साथियों के खिलाफ एक शब्द नहीं कह रहा हूं, न मेरा वो आशय दिल में भी नहीं है। मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं जिसमें से पूरे देश की जाति व्यवस्था निकल के आई है और हमारे ब्राह्मण साथियों के ऊपर भी असर है और गैर ब्राह्मणों के ऊपर भी असर है, सबके ऊपर असर है। मैं उस ब्राह्मणवादी विचारधारा की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये उम्मीद करता हूँ ये जो शिक्षा में समानता की लड़ाई है इसमें सभी जातियों के तरीके से, सभी जातियों के लोगों के तरीके से
हमारे ब्राह्मण जाति के साथी भी आगे आएंगे और लड़ाई में शामिल होंगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ। ये फुटो जरूरी नहीं, लोग कहते हैं आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ नहीं बोल रहे। अंबेडकर ने वो दो सफ़े आखिरी दो चार पैराग्राफ निकालने से इनकार कर दिया, वो भाषण कभी दिया नहीं गया, लेकिन वो पुस्तिका अनेक भाषाओं में, भारत की अनेक भाषाओं में छपकर लाखों प्रतियां बढ़ चुकी हैं, लोग पढ़ चुके हैं उसको, जिसका नाम है जाति का विध्वंस, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसकी जो सबसे मौजू हिस्सा है उसका, वो उसका आखिरी हिस्सा जो उस पुस्तिका में लोगों ने डाल दिया है एक परिशिष्ट के रूप में, एनेक्सर के रूप में, वो गांधी और अंबेडकर का पत्र व्यवहार है। उस भाषण को गांधी ने हरिजन पत्रिका, जिसको वो खुद संपादित करते थे, उसके कॉलम में अंकवार छाप दिया, वैसे ही वैसे ही छाप दिया, जबकि उससे बिल्कुल असहमत थे। अब देखिए, आज असहमति होगी तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप पर सीबीआई की या रॉ की इंक्वायरी बैठा दी जाएगी, आपके घर पे अगर आप असहमति व्यक्त करेंगे तो इनकम टैक्स के छापे लग जाएंगे आपने ऐप ढूंढने के लिए कि आपने असहमति जाहिर की है। गांधी जानते थे कि अंबेडकर जो कह रहे हैं उससे वो सहमत कतई नहीं हो सकते, तो भी उन्होंने हरिजन के सारे अंकों में, अगले तीन चार अंकों में छाप दिया वैसे के वैसे। और फिर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं छाप तो चुका हूं, लेकिन इसमें जो आपने विचार दिए उनके इन इन कारणों से मैं असहमत हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया डियर मिस्टर गांधी करके, बापू नहीं बोला, डियर मिस्टर गांधी करके उन्होंने जवाब दिया कि आपने जो तर्क दिए मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, वो ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वो आपने मनगढ़ंत आपकी बातें हैं, उसका कोई आधार नहीं है भारत के इतिहास में, और उन्होंने भारत के इतिहास के तो प्रकांड पंडित थे ना, उन्होंने भारत के इतिहास से निकाल निकाल के, उन्होंने वेदों को उद्धृत करके, पुराणों को उद्धृत करके जवाब दिया कि भारत की जाति व्यवस्था का ये आधार है, वो आप जो बार बार मुझे समझा रहे हैं कि मैं उस हिंदू धर्म को नहीं स्वीकारता जो जाति व्यवस्था को मानती है और इंसानों के बीच में भेदभाव करती है। गांधी तो स्पष्ट थे इसमें, भेदभाव उनको मंजूर नहीं था, उनको ऐसी जाति व्यवस्था भी मंजूर नहीं थी जो अन्याय और अत्याचार करती है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं उस हिंदू धर्म को नहीं मानता जो अन्यायपूर्ण भेदभाव पर टिकी हुई जाति व्यवस्था को जिंदा रखती है। तो हम डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे पूछा, डियर मिस्टर गांधी आप बताइए वो कौन सा हिंदू धर्म है जिसको आप मानते हैं जिसमें जाति व्यवस्था नहीं है। जबरदस्त आप तार्किक बहस हो रही है इसका, फिर गांधी जवाब देते हैं, फिर डॉक्टर अम्बेडकर जवाब देते हैं, चार पत्र, दो गांधी के दो अम्बेडकर के, पढ़ने लायक है, बहुत खूबसूरत पत्र है 1936 के। अब मैं आपके सामने एक परिकल्पना, एक थीसिस रखने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि गांधी पर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा उठाए गए इन तर्कों प्रश्नों का गहरा असर पड़ा है, और गांधी की जो हिंदू धर्म को लेकर समझ थी उसमें आमूलचूल बदलाव आया। मेरी परिकल्पना, इसको टेस्ट कीजिए, जांचिए, पर रखिए, पर मैं इसके समर्थन में जो बात अभी कहने जा रहा हूं, भारी असर पड़ा, गांधी बदले। और गांधी तो कहते थे मैं लगातार सीख रहा हूं, और जब आज भी लोग गांधी को बदनाम करने के लिए उनका कोई 1908 का, 1910 का या 1890 का कोई वक्तव्य निकाल के दिखाते हैं, तो गांधी के कई बारी गांधी की लिखी हुई इन चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। बोले मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, इसलिए अगर मैंने कोई बात कही है मेरे पिछले इतिहास में तो उसको आप मत बार बार याद दिलाइए मुझे, मैंने जो आखिरी बात उस विषय पे कही है उसको याद दिलाइए, क्योंकि मैं सीख रहा हूं, एक विद्यार्थी है जो लगातार सीख रहा है, लगातार बदल रहा है, ये सब शिक्षा की बातें हैं ना, अड़ जाए मैंने तो यही सीखा, यही फिजिक्स में जानता हूं, यही मैं राजनीति विज्ञान के सिद्धांत जानता हूं, मार्क्स के बारे में इतना ही सीखा, अब और नहीं सीखूंगा, दोबारा नहीं पढ़ूंगा मैं कार्ल मार्क्स को, तो वो गांधी नहीं है।
गांधी कह रहे हैं मैं लगातार सीख रहा हूं, इसलिए मेरी आखिरी बात को याद दिलाइए मुझे, वहां गलती है तो बताइए। तो इसी तर्ज में बात को कह रहा हूं, 1938 में गांधी आजाद, 1937 में माफ कीजिए, 1937 में गांधी आजाद हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो इसका एक प्रस्ताव वर्धा सम्मेलन में रखते हैं, आपके ही महाराष्ट्र के वर्धा में, वर्धा सम्मेलन में रखते हैं। इसकी एक फुटनोट की बात मैं आपको याद दिलाता हूं, उस सम्मेलन के लिए पैसा लगता है, इस सम्मेलन के लिए भी पैसा लगा है जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया, तो उस सम्मेलन के लिए भी पैसा लगा था, ये बहुत कम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हो पैसा आया कहां से, तो मुझे बड़ी मेरी बड़ी जिज्ञासा थी जानू ये जो सम्मेलन हुआ इसके लिए पैसा कहां से आया हुआ 1937 के सम्मेलन का। तो पता चला कि उसका सारा पैसा वर्धा में बसा हुआ जो मारवाड़ी समाज था उन्होंने दिया, बनियों ने दिया, और पैसे वाले धनाढ्य मारवाड़ियों ने दिया, और कम धनाढ्य और ज्यादा धनाढ्य दोनों ने दिया, उनके नाम जो वर्धा को जानते हैं याद कर सकते कौन कौन होंगे, वो उन्होंने दिया। और एक कॉलेज जो वो चलाते थे लड़कियों का कॉलेज, उस कॉलेज का हॉल मुफ्त में बिना किराए के दिया, वहां पे सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में गांधी जी ने बात कही है वो अभी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी आपको, दिक्कत क्या है क्यों नहीं मिलेगी आपको, साहब सब कुछ मिलता है इंटरनेट पे, उनकी वाली 1937 का ऐतिहासिक भाषण क्यों नहीं मिलेगा हमको इंटरनेट पे, उसका कारण ये है वो अंग्रेजी में नहीं है। वो भाषण हिंदी में भी नहीं है, आप कहें किस में है, मराठी में, नहीं नहीं मराठी में नहीं है, गुजराती में भी नहीं है, वो हिंदुस्तानी में है, गांधी की हिंदुस्तानी, वो भाषा जो आम व्यक्ति उत्तर भारत का खासकर और उससे जुड़े हुए महाराष्ट्र गुजरात के इलाकों का भी जो समझ पाता है, हिंदुस्तानी में दिया हुआ ऐतिहासिक भाषण पढ़िए, जैसे मैंने कहा ना आप ज्योतिराव फुले का 1882 का ज्ञापन पढ़ लीजिए, मैंने कहा कास्ट इन इंडिया भारत में जाति व्यवस्था 1916 का पर्चा पढ़ लीजिए अम्बेडकर का, उसी शिद्दत के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो हिंदुस्तानी में दिया हुआ बहुत ही सरल भाषा में, विश्वास ही नहीं होता कि कोई बड़ा राजनीतिक नेता गांधी के स्टेटस का ऐसा भाषण दे रहा है। क्या कहते हैं वो कहते हैं उसमें कि आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं लगभग वही शब्द है मेरे पास हैं लिखे हुए, मैं अकेला हूं जो उसको बार बार पढ़ता हूं और बार बार उसका अनुवाद करता हूं अंग्रेजी में, उसको छापता रहता हूं, मुझे शौक है उसको अनुवाद करने का, खुद ही करता हूं जो किसी और ने किया नहीं है। कहते हैं कि आज मैं जो बात करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने वो बात व्यावसायिक शिक्षा की नहीं है, उसका अगर अंग्रेजी अनुवाद करें व्यावसायिक शिक्षा का तो वोकेशनल एजुकेशन की नहीं है, ये इसलिए कहना जरूरी है कि मोदी साहब सुन ले इसको। वो बहुत हल्ला मचा रहे हैं आजकल गांधी का ना, आज के दिन तो ज्यादा मचा रहा, वो पता नहीं अमेरिका से लौटे नहीं लौटे, अभी भी ओबामा साहब के साथ डिनर कर रहे हैं, नवरात्रि के उपवास वाला डिनर कर रहे हैं, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लौटे ना लौटे हो पूरे हिंदुस्तान में छा गए 2 अक्टूबर को, मैंने आज देखा बड़े नखरे के साथ लड़कियां और लड़के झाड़ू लगा रहे नखरे के साथ और यूं मुंह में हाथ रखते, और झुकी झोपड़ी में लगा रहे थे, अपने घर के सामने नहीं लगा रहे थे, झुकी झोपड़ी में लगा रहे थे, इसलिए यूं हाथ रखा था, और जिनके पास संसाधन थे उन्होंने कपड़े के मास्क भी लगा रखे थे, नकाब भी पहन रखे थे, और यूं लगा रहे थे जैसे बहुत ही कोई गंदी चीज हो रही है। इसलिए मोदी साहब सुने, क्योंकि वो भारत को स्किल्ड इंडिया बनाने जा रहे हैं, मैं कहना भूल जाऊं इस बात पे लौटना चाहता हूं बाद में, अभी इतना ही कहना था, गांधी का भाषण स्किल्ड इंडिया बनाने के लिए नहीं था, उन्होंने कहा मैं व्यावसायिक शिक्षा की नहीं बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं उन्होंने बताया, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कितना गूढ़ भाषण दे रहे हैं, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, मैं केवल प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा सभी की बात कर रहा हूं, हमें निकलना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षा के मोल्ड से,
ये भारत की राजघटना का भी खाका नहीं है प्राथमिक शिक्षा में फंसे रहना। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूं, और क्या बात कर रहा हूं उनका, मुझे केवल एक ही उत्पादन करना आता है, वह तकली से सूत बनाना, और मुझे कोई उत्पादन करना नहीं आता है, इसलिए मैं तकली से सूत बनाने की बात करूंगा। अब आपका जो भी उत्पादन है वो आप लोग कर लेना, आप उसका नमूना ले लेना। मैं तकली से जब सूत काटता हूं, और जब बच्चे काटेंगे इसको स्कूल कॉलेज में, तो वे केवल ये नहीं सीखेंगे कि कितने समय में कितने मीटर सूत कटता है, केवल ये नहीं सीखेंगे कि कितनी देर में कितने ग्राम या कितने शेर सूत काट लेते हैं, वो शेर बोलते थे उसे, तो नापना सीख रहे हैं बच्चे मीटर, तोलना सीख रहे हैं शेर, तोलना सीख रहे हैं, समय नाप रहे हैं, ये सब चल रहा है, तकली का सूत काटा जा रहा है, समय भी नाप रहे हैं, लंबाई भी नाप रहे हैं, वजन भी तोल रहे हैं, केवल ये नहीं सीखेंगे, वो सूत काटते हुए मैनचेस्टर और लंकाशायर का इतिहास भी सीखेंगे। यानी साम्राज्यवादी शोषण की पूरी कहानी सीखेंगे। सूत तो केवल जरिया है साम्राज्यवादी शोषण की कहानी को सीखने का, और वो शिक्षा जो उत्पादक कामों से निकलेगी और देश के उत्पादक वर्गों के उत्पादक कामों से निकलेगी, उससे निकला हुआ ज्ञान, उससे निकले हुए मूल्य और उससे निकले हुए कौशल जो होंगे, वो असली शिक्षा होगी। ऐसी शिक्षा व्यवस्था आजाद भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी। उन्होंने ये नहीं कहा ये दलितों के लिए शिक्षा होगी, ये आदिवासियों के लिए होगी, ये ओबीसी की होगी, ये अति ओबीसी की होगी, या ये ऊपर वाले ओबीसी की होगी, ये नहीं कहा कि ये ग्रामीण इलाके की होगी, ये शहरी इलाके की होगी, ये मध्यम वर्ग की होगी या इलिट की होगी, ये आजाद भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आने वाले सालों में सारी कोशिश होती रही गांधी को झुठलाने की, ये करके, अच्छा वो गरीबों की बात कर रहे होंगे, अरे वो जरूर वो तकली काटने की बात करें तो जुलाहों की बात कर रहे होंगे, जुलाई तो मुसलमान होते, मुसलमानों की बात कर रहे होंगे, गांधी को बहुत शौक है मुसलमानों की बात करने का। वो तो गांव की बात कर रहे होंगे, शहरों में तो ये हो ही नहीं सकता ना। वो उसी भाषण में कुछ और भी कहते हैं, उसी भाषण में वो कहते हैं इसके लिए अध्यापक शिक्षण की पूरी व्यवस्था बदलनी होगी, टीचर एजुकेशन की, और ये जिम्मेदारी सरकार की है। फिर वो कहते हैं सरकार तो कहेगी हमें पैसा नहीं है, सरकार में ब्रिटिश हुकूमत, हमें पैसा नहीं है, तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि सरकार बार बार कह रही है भारत के बच्चों को शिक्षित करने के लिए पैसा नहीं है, आज की सरकार भी वही बोल रही है। तो सवाल उठाते हैं कि वायसराय के पास कब पैसा आएगा भारत की जनता को के लिए शिक्षण व्यवस्था खड़ी करने के लिए, क्योंकि उनकी प्राथमिकता तो जन शिक्षण नहीं है, उनकी प्राथमिकता तोप और बंदूक और हवाई जहाज बनाना है। और आखिरी पैराग्राफ में तो गजब की उनकी समझ दिखती है, वो कहते हैं कि लोग बार बार बताते हैं कि अमेरिका ने राज्य द्वारा वित्त पोषित मुफ्त शिक्षा व्यवस्था कायम कर दी है और स्थापित है, हम उससे कैसे प्रेरणा लें, वो सवाल उठा रहे हैं अपने आप से, हम उसे कैसे प्रेरणा लें, क्योंकि इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पैसा आया है वो लैटिनी अमेरिका के देशों का शोषण करके आया है। कभी कल्पना की कभी गांधी ऐसे भाषण देंगे, और ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये सीमा है इंटरनेट की। और केवल यही नहीं, भारत की तमाम भाषाओं में
पैदा किया हुआ ज्ञान इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट की सीमा है वो भाषा की सीमा है। और मैंने क्यों कहा कि गांधी ने अंबेडकर से सीखा और जाति के सवाल पर उनके विचार बदले, क्योंकि वो उत्पादक वर्गों के उत्पादक कामों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें से सभी विषयों का ज्ञान निकलेगा, मूल्य निर्माण होगा और कौशल विकास होगा। उत्पादक वर्ग में कौन है? मैंने स्लाइड बनाई, अभी नहीं दिखाऊंगा, मुझे लगा ये बेहतर तरीका बात करने का। उत्पादक वर्गों में कौन है? देश का उत्पादन दलित करते हैं, आदिवासी करते हैं, मुस्लिम समाज के तमाम वर्ग करते हैं और पिछड़े वर्गों के लोग करते हैं। ये जो 80% लोग हैं देश के, ये उत्पादन करते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा सक्रिय उत्पादनकर्ता जो हैं वो उन्हीं वर्गों की, उन्हीं जातियों की महिलाएं होती हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर इस देश की महिलाएं जो दलित होंगी, आदिवासी होंगी और ओबीसी होंगी, मुस्लिम होंगी, वो धान रोपने से इनकार कर दें, देश भूखा मर जाएगा। और इसको खिलाने के लिए कितना ही ओबामा साहब से आप आयात क्यों नहीं करवा लें, जापान से करवा लें, पूरा नहीं होने वाला। ये देश की महिलाएं हड़ताल पे चली जाएं, हम रोपा नहीं लगाएंगे, धान का रोपा नहीं लगाएंगे। और रोपा लगाना एक टेक्निक है, और टेक्निक के पीछे ज्ञान है, केवल टेक्निक नहीं है, वो टेक्निक के पीछे खेती का ज्ञान है, मिट्टी का ज्ञान है, जलवायु का ज्ञान है। उस पूरे ज्ञान से देश की महिलाएं और पिछड़े जातियों की, पिछड़े वर्गों की महिलाएं परिचित हैं। हाँ, उसको जापान के साथ जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो नई धान रोपने की मशीन इंपोर्ट की जाएगी, कहा जा रहा है कहीं गुजरात में बनने वाला है, वो कारखाना बन रहा है, जब वो होगा तो ये देश की करोड़ों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। उस ज्ञान के लिए आज की शिक्षण व्यवस्था में कोई जगह नहीं है, क्योंकि उत्पादक कामों को हमने नकार दिया है। और उत्पादक काम अगर शिक्षण व्यवस्था के यानी अभ्यासक्रम के केंद्र में आ जाते हैं, तो इसका मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं देश की, उनके बच्चे केंद्र में आ जाते हैं, क्योंकि उनको उत्पादन करना आता है। और पूरा समीकरण, इक्वेशन क्लास की बदल जाती है। जो केवल मेरी पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण व्यवस्था है, उसमें जाहिर है कि सदियों से ज्ञान, इस ज्ञान की परंपरा से वंचित, ये जो किताबी ज्ञान है, इस किताबी ज्ञान की परंपरा से वंचित जो देश के 80% लोग हैं, वो सबसे पिछड़े, पिछली क्लास में सबसे पिछली वाली जो कतार होगी वहां बैठेंगे, और जैसे ही उत्पादक काम अभ्यासक्रम के केंद्र में आएंगे, ये सबसे अगली कतार में होंगे। पूरा जाति आधारित समीकरण और वर्ग आधारित समीकरण जो आज हमारी शिक्षण व्यवस्था की बुनियाद है, वो बदल जाएगा जैसे ही उत्पादक काम केंद्र में आ जाता है। ये जाति तोड़ने का प्रोग्राम है, ये गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा। ये मेरी परिकल्पना, और इसीलिए जब भारत का संविधान लिखने का समय आया, राजघटना लिखने का समय आया, तो नेहरू जी जब राजघटना कौन लिखेगा, उसके लिए न्याय व्यवस्था का विशेषज्ञ कौन होगा, इसकी खोज करने लगे। उन्होंने एक फेरिस बनाई ब्रिटिश विशेषज्ञों की, अमरीकी विशेषज्ञों की, तो गांधी को पता चला ऐसे कुछ खोजबीन हो रही है। उन्होंने जवाहरलाल को बुलाया, कहा बात सुनो, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम विशेषज्ञों को? उन्होंने कहा तो हमें समझ में नहीं आ रहा हमारे देश में कौन है। कहते है ना एक इंसान, उसका नाम है B.R. अम्बेडकर, बुला लो उसको। ये संकेत है कि इतनी बहस के बाद, इतने तीखे अंतर विरोधों के बाद और गांधी के झुक जाने के बाद भी गांधी ने पूरा सम्मान दिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। उसके पात्र थे वो, तो कोई उन्होंने उपकार नहीं किया, उसके पात्र थे, उनको नहीं देते फिर किसको देते।
और संविधान सभा के में जो भी नेतृत्व दिया उसे दो तीन बातें याद करने की बहुत जरूरत है। संविधान सभा में बहस हो रही है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन होगी। एक बहुत ताकतवर हिंदी लॉबी वहां मौजूद थी, बहुत ही मुखर ताकतवर हिंदी लॉबी, उसकी संख्या भी ज्यादा थी, आवाज भी ऊंची थी। उसे कहा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित की जाए संविधान में। बहुत बोले वो, बाकी लोग चुप थे, मान नहीं रहे थे, बात खत्म नहीं हो रही थी। तो अंत में तंग आकर कि एक गैर हिंदी भाषी राज्य के सदस्य ने खड़े होकर कहा, अगर आपको इतनी जिद है इस बहुभाषी देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की, तो आप ऐसा कीजिए, अपना हिंदी वाला एक अलग देश बना लीजिए, वो हमको अलग कर दीजिए। सन्नाटा छा गया इस बात को सुनकर, किसी को समझ नहीं आया क्या करें। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं एक अर्ज कर रहा हूं आप लोगों से, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं हम किस काम के लिए संविधान सभा में इकट्ठे हुए हैं। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए खड़े हुए हैं जो पिछले 5000 साल में था नहीं, इसका अस्तित्व नहीं था। इस भारत का निर्माण करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ये वो भारत है जो किसी एक भाषा का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक रस्म और रिवाज का नहीं है, किसी एक उत्पादन शैली का भी नहीं है। ये बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक और बहु उत्पादन शैली का मुल्क हम बनाने जा रहे हैं पहली बार इस दुनिया के इस हिस्से के इतिहास में। आप लोगों को ये समझना होगा इसके पहले कि कोई आग्रह आपका दुराग्रह बन जाए। क्योंकि चुप हो गए, फिर सन्नाटा छाया और एक दो मिनट के सन्नाटे के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई, भारत बचा लिया गया। भारत का बहुभाषी चरित्र स्थापित हो गया उससे। ये तो हुआ, संविधान के पर्चों में लिखा गया, लेकिन हमने माना नहीं। आजकल आता है ना एक मैसेज, मैं बहुत खिलाफ हूं कौन बनेगा करोड़पति के खिलाफ, बहुत हूं उसकी पूरी भौतिकवादी अवधारणा से, उसके धन पे आधारित अवधारणा से, लेकिन उसमें एक अच्छी बात आ गई, तो अच्छी बात हर एक की याद कर लेनी चाहिए। अमिताभ बच्चन कुछ बात बताते हैं कि कोहिमा कहाँ पर है, तो कोई जवाब देता है भारत में है, नागालैंड में है, तो पूछते हैं उस लड़की से जो बैठी हुई है उत्तर पूर्व की लड़की, देखो ये तो कह रहे हैं कि वो भारत में, वो तो मानते हैं नहीं, वो जानते हैं। तो लड़की बोलती है वो जानते जरूर है पर मानते नहीं है। बहुत लागू होता है हमारी बात पे। हम सब जानते हैं बहुभाषीय मुल्क है, पर हम अपने छोटे छोटे घोंसलों से बाहर नहीं निकल पाते, चाहे वो कन्नड़ का घोंसला हो, चाहे हिंदी का घोंसला हो, चाहे तमिल का हो, चाहे असमी का हो, बंगला का हो, या खासी का हो। पता नहीं आप लोग जानते नहीं खासी का है, इस देश की भाषा है, या गारो का हो। जानते हैं गारो भाषा बोलने वाला व्यक्ति भारत की लोकसभा का अध्यक्ष बन चुका है, ये पता आप लोगों, गारो भाषा बोलने वाला व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बन चुका है। ये वो मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है। दूसरी बात, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये प्रावधान तैयार किया जिसको बाद में अनुच्छेद 45 के रूप में जाना गया, जिसमें ये लिखा था कि राजघटना बनने के 10 साल के भीतर, जो 1960 में पूरी हो गई थी, 10 साल के भीतर 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दे दी जाएगी। इसका क्या मतलब था 14 साल की उम्र तक के? उसमें यह नहीं लिखा था 6 से 14 तक के, जो अभी के शिक्षा अधिकार कानून में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष के नीचे वालों की हम चिंता नहीं करेंगे।
उसमें लिखा था 14 वर्ष की उम्र तक के, जिसमें जन्म से लेके 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चे आ गए, बच्चियां आ गई, उनके लालन पोषण से लेकर उनके आरोग्य के सवाल को लेकर, क्योंकि बिना लालन पोषण और सही ढंग के पोषण और सही ढंग के आरोग्य व्यवस्था के बगैर उनका 80% मस्तिष्क तैयार नहीं होगा जब वो 4 या 5 साल के हो जाएंगे, इसलिए वो शिक्षण का हिस्सा है, सब लिखा था। और उसके बाद जिसको आप प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, उसके बाद उत्तर प्राथमिक शिक्षा, जो पहली कक्षा में 5 या 6 साल की उम्र में जो बच्चे आएंगे वो जब 14 साल के होंगे तो 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पा लेंगे। इसलिए मैंने कहा वो 4-5 साल की प्राथमिक शिक्षा का सवाल राजघटना का सवाल ही नहीं है, 10 साल के भीतर ये होगा। और संविधान सभा के रिकॉर्ड बताते हैं, उसमें ये कहा गया पहले 10 साल में ये हम पालेंगे, उसके अगले 10 साल में माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल तक की करेंगे, उसके अगले 10 साल में सीनियर सेकेंडरी 11वीं 12वीं तक की करेंगे। यानी 1980 तक भारत के 18 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को सीनियर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मिल जाएगी। ये जो लिखा गया, इसके साथ लिखा गया इसको मौलिक अधिकारों के खंड में शामिल कर लिया जाए, फंडामेंटल राइट के खंड में। आप जानते हैं हमारी राजघटना के 2 महत्वपूर्ण हिस्से, एक खंड 3 जो मौलिक अधिकारों का, एक खंड 4 जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहलाता है। और ये मान लिया लोगों ने कि जो खंड 4 में होगा उसका कोई खास महत्व नहीं है, सरकार की इच्छा हो तो माने, नहीं इच्छा हो तो मत माने, उसकी इच्छा पर है, इच्छा है तो लड्डू खा ले, नहीं इच्छा तो मत खा ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इसको बिल्कुल पलट दिया, कहा कि जो खंड 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों का है वो राज्य को उद्देश्य बताता है, कहां ले जाना है देश को, और खंड 3 मौलिक अधिकारों का उद्देश्य को पाने के लिए जरिया बताता है, रास्ता बताता है। तो साधन और साध्य का जो रिश्ता है वो खंड 3 और खंड 4 का है, खंड 3 साधन देता है, खंड 4 साध्य है, और इनके बीच में एक नैसर्गिक कड़ी है, इसको तोड़ा ना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये अलग बहस है, इसमें नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि बार बार तोड़ा जाता है इसमें। पर संविधान सभा में क्या होता है, संविधान सभा में 2 बातें इसके साथ हुई। एक सदस्य खड़े हुए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आपको मालूम है कि भारत कितना गरीब मुल्क है, इसके पास पैसा नहीं है सबको शिक्षित करने के लिए। ये तो 1882 से मैकॉले के 1835 से कहा जा रहा है ना, 2014 तक कहा जा रहा है, आज 2 अक्टूबर को भी कहा जा रहा है पैसा नहीं है। तो वो बोलते हैं इसलिए आप ऐसा कीजिए, मेहरबानी करके जो 14 साल की उम्र तक लिखा है उसको घटा के 11 साल कर दीजिए। बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, उनका आदरणीय महोदय ने, सदस्य महोदय ने शायद हमारे मिनट्स नहीं पढ़े, ड्राफ्टिंग कमेटी के मिनट्स पढ़े होते तो ये प्रश्न नहीं उठाते। वो हमारे मिनट्स में ये लिखा है आजाद हिंदुस्तान में 11 साल की वो नाजुक उम्र है जब बड़ी तादाद में बच्चे बाल मजदूर बनने लगते हैं, मजदूरी की ओर जाने लगते हैं, आजाद हिंदुस्तान में इस उम्र के बच्चों की जगह खेत खलिहान और कारखाने नहीं होंगे, वो देश के स्कूल होंगे। कि किस कल्पना के साथ संविधान लिखा जा रहा है। आज देश में 20 करोड़ बच्चे 6 से 14 यूके, जिसको आरटी एक्ट ने घटा घटा के 6 से 14 कर दिया, उसमें 5.5 करोड़ बच्चे बाल मजदूर आज हैं। पूरा संविधान तार तार हो गया इस तथ्य से कि 5.5 करोड़ बच्चे 20 करोड़ में से आज बाल मजदूरी करते हैं। ये तो पूरा रिकॉर्ड भी नहीं है, इसमें जो ढाबों पे चाय देते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं है, ये तो जो खेत खलिहानों में गिने गए उनका रिकॉर्ड है, सारा जोड़े जाए तो ये 6-6.5 करोड़ के पार हो जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण इकोलॉजी वर्कर कहलाते हैं बच्चे, जो रोज सारा कचरा बटोरते हैं पुणे शहर का और भोपाल शहर का जहाँ से मैं आया हूँ, उनके लिए आरटी एक्ट बनाई नहीं ना, वो तो उसके बाहर है, वो भी इस गिनती में नहीं आए। जो दूसरी बात है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा ये मौलिक अधिकार है, बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। तो जब ये सारा रिकमेंडेशन ड्राफ्टिंग कमेटी का
फंडामेंटल राइट कमेटी के पास गया तो क्या होता है, मौलिक अधिकार की अलग कमेटी थी, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रावधान को जब पेश करते हैं अपने साथी सदस्यों को, तो परिचयात्मक टिप्पणी में कहते हैं कि आप सबको तो मालूम है देश कितना गरीब है, और हर चीज को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर भारत सरकार की जवाबदेही बढ़ाना उचित नहीं होगा, हमें बहुत सोच समझ के मौलिक अधिकारों की फेहरिस्त बनानी चाहिए, नहीं तो हम बिला वजह बोझा बढ़ा देंगे सरकार का। इस भारत के सबसे ऊंचे नेता बिल्कुल नेहरू के बराबर के नेता, उससे कम नहीं किसी भी मायने में, उनके मुंह से बात सुन के किसकी हिम्मत थी कि कह दे कि नहीं इसको मौलिक अधिकार में रखा जाए। वो मैंने सारे मिनट्स पढ़े, किसने क्या क्या, कौन राय बहादुर क्या बोल रहा था, कौन सा सरदार बहादुर और खान बहादुर क्या बोल रहा था, सब पढ़ा सब, कहते हाँ साहब गरीब मुल्क है, ये संभव नहीं है मौलिक अधिकार बनाना, नहीं बना। और जब वो मौलिक अधिकार बनता है सन 2002 में, ये बात 1948 की सुनाई आपको, जब सन 2002 में मौलिक अधिकार बनता है तो इतना उसको विकृत करके बनाया जाता है कि वो मौलिक अधिकार कहने लायक नहीं बचता था। कह दिया गया 6 साल से नीचे के बच्चों को हटा देते हैं, कहीं वो भी अधिकार न मांगने लग जाए पोषण का, आरोग्य का, और अब सुरक्षा का, क्योंकि 5 साल की बच्चियों का बलात्कार होता है इस देश में, इसलिए सुरक्षा का सवाल प्रमुख हो गया आज, तो पोषण आरोग्य सुरक्षा का सवाल कहीं उठ न जाए। तो 2002 में जब भारत की संसद उसको मौलिक अधिकार देने की बात करती है तो उसको हटा देती है, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन करते हुए 2002 में जो एनडीए सरकार थी और सारा विपक्ष चुप रहा, शामिल हुआ चुप्पी के साथ, तो ये भी कहते हैं कि 6 से 14 उम्र की बच्चों को जो मौलिक अधिकार दिया जाएगा वो उस तौर तरीके से दिया जाएगा जो राज्य तय करेगा, यानी सरकार पर की मर्जी पर है किस तरीके से दे। वो समान शिक्षा देने को तैयार नहीं है, वो सब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को तैयार नहीं है, वो उत्पादक काम पे खड़ी की हुई गांधी की नई तालीम देने को तैयार नहीं है, वो सब बच्चों को विज्ञान वैज्ञानिक ढंग से सिखाने को तैयार नहीं है। अगर बच्चों ने वैज्ञानिक ढंग से विज्ञान सीख लिया फिर दभोलकर की शहादत को कौन याद करेगा, तो शहादत इसलिए है ना कि गैर वैज्ञानिक ढंग से विज्ञान पढ़ाया गया, मैकॉले के समय से लेकर आज तक और अभी भी पढ़ाया जाएगा, यही तो महत्व दभोलकर की शहादत का, जो किसी तरीके से तैयार नहीं है वो कहे हम अपनी मर्जी से बताएंगे कैसा होगा मौलिक अधिकार। और क्यों कहा, क्योंकि उसके पहले का, इसको मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा, ये अपने आप में पूरा एक शास्त्र है जिसको कहने का अभी समय नहीं है, मेरी एक पुरानी पुस्तिका है संसद में शिक्षा अधिकार छीनने वाला बिल, ये 2008 में लिखी गई थी जब वो बिल था और एक्ट नहीं मिला था। कई बार लोग कहते हैं हम इसका शीर्षक बदल के लिख दो कानून अधिनियम, मैंने कहा नहीं, सबको याद रहे कि ये बातें हमने शिक्षा अधिकार कानून के बारे में तब कही थी जब वो कानून नहीं बना था, राज्यसभा में उस पर बहस चल रही थी, उस समय हमने कह दिया था ये होगा और वही हुआ। उसमें यह कहा गया कि शिक्षा का बाजारीकरण कैसे करवाया जाएगा, उसके प्रावधान डाले गए, शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में फीस नियमन का कोई तौर तरीका नहीं रखा जाएगा ताकि मनमाने ढंग से शिक्षा सम्राट माफिया के लोग फीसें बढ़ा सके, ये शिक्षा अधिकार कानून में लिखा हुआ है। उन्हें यह भी कहा गया कि जिन बच्चों को हम अभिवंचित बच्चों को वंचित बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाएंगे उसमें प्राइवेट स्कूलों को की फीस भरपाई हम सरकारी खजाने में से पैसा निकाल के देंगे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे, सरकारी खजाने से पैसा निकालकर स्थानांतरित किया जाएगा प्राइवेट स्कूलों को, चाहे वो अंबानी के द्वारा चलाया हुआ स्कूल हो और चाहे आपके शिक्षण सम्राटों द्वारा चलाया हुआ स्कूल हो, उनको पैसा सरकार देगी। अभी और उस पर बात नहीं कर रहा हूं, पर इस घोषणा के साथ ये भी डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया शिक्षा अधिकार कानून 2009 ने जो 86वें संविधान संशोधन निकला, कि केवल आज नहीं
आने वाले वर्षों में दशकों तक निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयों से बेहतर रहेंगे, क्योंकि वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित करने के लिए वहां दाखिला करवाएंगे ना, इसका मतलब बेहतर है। और जनता के दिमाग में अगर थोड़ा सा भी भ्रम रह गया था, उसको भी उन्होंने पक्का कर दिया कि हाँ वही बेहतर है, वही जाओ, हमको छुटकारा दो जिम्मेदारी से। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी भारी जिम्मेदारी लाद दी थी सरकार के ऊपर सब बच्चों को शिक्षित करने की, इससे मुक्ति पाओ, इस संवैधानिक जवाबदेही से मुक्त होना, उसको उस जवाबदेही को खारिज करने का प्रोग्राम जागतिकरण के बाद 1991 से सचेत रूप से घोषित रूप से चला। उसके पहले 1986 की शिक्षा नीति में उसका सूत्रपात कर दिया गया, बीजारोपण कर दिया गया। क्योंकि मैंने भी जब ये बात समझी, अभी 1986 में क्यों किया, तब तो जागतिकरण की घोषणा नहीं हुई थी। फिर जो खोजबीन की पता चला, उस समय भी प्रधानमंत्री के सचिवालय में विश्व बैंक के द्वारा बैठाए गए एक्सपर्ट बैठे हुए थे शिक्षा को का मार्गदर्शन करने के लिए, 1986 में बैठे हुए थे। लातिन अमेरिका में, अफ्रीका के देशों में तो पहले ही कर चुके थे बंटाधार उनकी शिक्षा व्यवस्थाओं का, वो तो 70 के दशक में शुरू हो गया था। तो क्या बंटाधार कैसे हुआ, उसकी बहुत संक्षिप्त कहानी। 1990 का दशक वो दशक है जब भारत की स्कूल व्यवस्था को बर्बाद और बिगाड़ने का प्रोग्राम चला विश्व बैंक के दबाव में। उसके पीछे धारणा ये थी कि भारत को कर्ज तब दिया जाएगा जब यहां पर संरचनात्मक समायोजन या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम माना जाएगा, वो शर्त थी। और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब क्या था कि आने वाले वर्षों में भारत सरकार ये वायदा कर दे वर्ल्ड बैंक को भी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को भी, आने वाले वर्षों में हम लगातार आरोग्य पर, शिक्षण पर, समाज कल्याण पर, गरीबी उन्मूलन पर, ऐसे तमाम कार्यक्रमों पर हम खर्च घटाते जाएंगे। खर्च घटाने का वायदा कर दो तो हम आपको कर्ज देंगे, इस शर्त को हमने माना। खर्च कैसे घटाया गया उसकी कहानी अभी सुनाने का टाइम नहीं है, पर वो 90 का दशक बर्बाद करने और बिगाड़ने का दशक है। इस बर्बाद की हुई और बिगड़ी हुई, बिगाड़ी गई स्कूल व्यवस्था के ऊ की बुनियाद पर सर्व शिक्षा अभियान खड़ा किया गया, और उसमें वो सारी विकृतियां जो 90 के दशक में स्थापित कर दी गई थी, वो सारी विकृतियां सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बन गई। और 2002 में उसको 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करके उस पर भारत की राज्य सत्ता की मोहर लग गई, जो अभी एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट भारत की राज्य सत्ता से विश्वसनीयता प्राप्त कर चुका। उसमें कहा गया कि हम सन 2010 तक सभी बच्चों को 14 साल की उम्र तक के हम 8वीं क्लास तक की शिक्षा दे देंगे, वो जो 1960 में होना था कहा गया। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और 10वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने के नजदीक आई, तो तुरंत उसका एक रिव्यू किया गया, और रिव्यू रिपोर्ट कहती है हम 2010 तक पूरी कोशिश करेंगे ये मकसद पूरा करने की। और जब 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में लिखी जाती है, उसमें लिखा जाता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 8वीं क्लास में इनका नाम दर्ज हो जाए, एनरोल हो जाए। वो आज तक नहीं हुआ। कहीं भारत की जनता सवाल उठाने लग जाए सर्व शिक्षा अभियान के लिए के ऊपर, इसलिए उन्होंने एक और नाटक खेला, उस नाटक का नाम है शिक्षा अधिकार कानून, जिसमें कोई तारीख नहीं दी गई कब पूरा करेंगे। बहुत अकलमंदी की, नहीं तो फिर कोई सवाल उठ जाता, कोई तारीख नहीं दी गई। अब ये शाश्वत उद्देश्य है, शाश्वत मकसद है भारत के राज्य का, जब संभव होगा कर लेंगे। भाई बाबा साहब अम्बेडकर करते रहे, वो सोचते रहे, उनकी आत्मा सोचती रहे कि क्या हुआ उस आर्टिकल 45 का, जिसको मौलिक अधिकार नहीं बनने दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित कर दिया 1993 में, उसका क्या हुआ, कोई अब बात नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षा अधिकार कानून कोई तारीख नहीं देता। और देखिए ये बड़े सोचे समझे तरीके होते हैं। जब मैं कहता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक पूरा करने वाला था, उसका मतलब क्या, कौन सी तारीख को पूरा करने वाला था, सब फाइनेंशियल ईयर से चलता है ना, वित्तीय वर्षों से। तो 31 मार्च 2010 को ये मकसद पूरा होना था, भारत के सभी बच्चों को, 20 करोड़ बच्चों को उस उम्र के
आठवीं क्लास तक पूरा करवा देना। 31 मार्च 2010 को सर्व शिक्षा अभियान का सर्व शिक्षा अभियान ध्वस्त हो गया, वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया। तो 1 अप्रैल 2010 को क्या होता है, शिक्षा अधिकार कानून लागू हो जाता है। अब उसमें कोई तारीख नहीं है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आंकड़े देते हुए और आंकड़ों का अध्ययन करके भी बताती है कि 2015 तक पांचवीं कक्षा तक भारत के सभी बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सारी इंटरनेशनल एजेंसियां जिसमें यूनेस्को भी शामिल है वो केवल प्राथमिक शिक्षा की बात करती है, भारत के राजघटना के एजेंडे की बात नहीं करती। वो हमेशा हमारा जो मकसद है राजघटना का उसको घटाती जाए, कहती है चौथी, महाराष्ट्र में चौथी, क्यों आपके यहाँ तो पांचवीं भी नहीं मानी गई प्राथमिक शिक्षा, अब तो चौथी भी टिके हुए हैं, आपके जैसे 10 और राज्य हैं, बाकी राज्य तो पांचवीं तक तो बात कर रहे हैं, उनका उत्तर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था आठवीं में खत्म होती है, आपकी सातवीं में खत्म होती है। अभी लड़ाई आपके यहाँ शुरू हुई है और एक लड़ाई के फलस्वरूप जिसमें हमारे अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच का एक साथी संगठन मुंबई में शामिल है, 100 स्कूलों के लिए आदेश मुंबई महानगर पालिका ने निकाल दिया है कि 100 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा सातवीं से आठवीं, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ी है। अब बाकी स्कूलों के लिए लड़ी जा रही है, वहाँ 1174 स्कूल है, बाकी के लिए लड़ाई जारी है। अब देखिए ना, सातवीं क्लास से आठवीं क्लास जिसका अधिकार दिया हुआ है संविधान ने, 86वें संविधान संशोधन है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो 90 का दशक अगर बिगाड़ने और बर्बाद करने का था तो 2000 का दशक क्या है? 2000 दशक का इस बिगाड़ी हुई और बर्बाद की हुई स्कूल व्यवस्था को बदनाम करने का है। आए दिन हम सुनते हैं मीडिया में कितना खराब है सरकारी स्कूल, कभी किसी अखबार में हमने पढ़ा कि अच्छा सरकारी स्कूल भी होता है? आप क्या समझते हैं 12 लाख के 12 लाख स्कूल बर्बाद हो गए हैं? कितनी कोशिश वर्ल्ड बैंक ने करवा ली हो उसके बावजूद अभी भी दसियों हजार स्कूल हैं जो बढ़िया चल रहे हैं, और बढ़िया नहीं चल रहे होते वहां से निकलने वाले दलित आदिवासी ओबीसी किस तरीके से 12वीं पार करते हैं, जिसका आंकड़ा बहुत छोटा है पर अभी भी पार कर रहे हैं, अभी भी पार कर रहे हैं। इसकी आप खबर कभी नहीं पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषित एजेंसी भारत की, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो समझे समझ ले, वो हर साल एक रिपोर्ट निकालती है, उसमें बताती है कि सरकारी स्कूल कितने गए गुजरे हैं। उस रिपोर्ट को पढ़िए और पन्ने पलटिए, उसकी भूमिका में, उसके निष्कर्षों में क्या कहीं बताया गया है कि 90 के दशक में पूरी व्यवस्था बर्बाद की गई और बिगाड़ी गई तयशुदा नीतियों के तहत। कोई विश्लेषण है कि क्यों इतनी खराब है? नहीं है विश्लेषण, कितनी खराब है बताई जाती है, और यह भी नहीं बताया जाता कि जब सरकारी स्कूल के मास्टर से आप चुनाव करवाते हैं, उसे जनगणना करवाते हैं, और चुनाव भी पंचायत से लेके संसद तक का करवाते हैं, और जब चुनाव होता है तो इलेक्टोरल रोल अपडेट किया जाता है, वो मास्टर करता है सरकारी स्कूल का, जनगणना करता है और भेड़े भी गिनता है, बकरी भी गिनता है, पोलियो वैक्सीन भी लगाता है, मध्यान्ह भोजन भी परोसता है, उसका हिसाब भी करता है। जब ये सब का होता है सरकारी स्कूल के मास्टर के द्वारा, और शिक्षा अधिकार कानून की धारा 27 कहती है ये करना लाजमी होगा सरकारी स्कूल के मास्टर के लिए, गैर शिक्षकी काम लाजमी है ये शिक्षा अधिकार कानून करता है केवल सरकारी स्कूलों में। जब ये सब होता है तो प्राइवेट स्कूल में शिक्षक तरीके से रोज पढ़ा रहा होता है, उसको उसके लिए कुछ लाजमी नहीं है काम करे। इसलिए हमने बात कहनी शुरू की कि देश के लोकतंत्र यानी चुनावी व्यवस्था, देश के विकास यानी जनगणना जिसके आधार पर सारी विकास की योजनाएं बनती है, और देश के समाज कल्याण के काम जो भेड़े गिनना, बकरी गिनना, पोलियो वैक्सीन लगाने, जो तमाम काम है देश के, इसके लिए भारत के सरकारी स्कूल के करोड़ों बच्चे हर साल त्याग करते हैं अपनी शिक्षा का, जबकि सरकारी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आराम से पढ़ते रहते हैं। सरकार की नीति है, कानून है, तो बदनाम कर दिया आपने हर साल रिपोर्टें जारी करके। अब क्या करना है? अब तो जीत ली लड़ाई, अब बेचो। तो ये दशक जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ये बेचने का दशक है। मुंबई महानगर पालिका अपने 1174 स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर बेच रही है, नीलाम कर रही है, करी जिसके जिसकी
जिसकी हैसियत ज्यादा होगी उनको देंगे, तो नीलामी होगी ना, बोली लगाओ किसकी हैसियत ज्यादा है। ये शुरू हो गया। उसको देखा देखी दिल्ली की नगर निगम, एक नगर निगम, तीन नगर निगम है, एक नगर निगम दक्षिण जोन की तय करती, हम भी अपने 55 स्कूलों को नीलाम करेंगे। मैं पिछले साल नागपुर गया था तो नागपुर के कॉरपोरेशन के अधिकारियों से कुछ बात हो रही थी, उनका वो बड़ा अच्छा काम हो रहा है मुंबई में, हम भी करेंगे। और आपके शहर में 48 बालवाड़ियां बिकने वाली थी एक फर्टिलाइजर कंपनी को, वो तो बालवाड़ी में काम करने वाली बहादुर महिलाओं की यूनियन को सलाम कीजिए जिन्होंने लड़ाई लड़के और मुक्ता जी ने उसको नेतृत्व दिया। बालवाड़ी की यूनियन की बहादुर महिलाओं ने लड़ाई लड़कर यहां के यहां पर पीपीपी लागू नहीं होने दिया। वो फिर आएगा, किसी और तरीके से आएगा, वो तो पक्का है। उनको मालूम है कि एक कदम पीछे हट जाओ फिर चार कदम आगे बढ़ेंगे, वो भी उनकी रणनीति हमको समझ लेनी चाहिए। कर्नाटक में इस कानून के बनने के बाद 12,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, उत्तराखंड में 2500 स्कूल बंद हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 6,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, और आपके महाराष्ट्र में 13,000 वो स्कूल बंद हो रहे हैं जो मराठी माध्यम के हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है, उनको अनुदान मिलता रहेगा, मराठी माध्यम के स्कूलों का अनुदान बंद कर दिया जाएगा। कोई फर्क पड़ता है हमको आपको ये सब आंकड़े सुनकर? हर जगह बंद हो रहे हैं। अभी परसों जब मैं भोपाल से निकल रहा था तो खबर आई, हिंदू मैंने पढ़ा तो खबर आई, राजस्थान की सरकार 14,000 स्कूल बंद कर रही है। ये तो रोज की खबरें यहां पर है। जब तक 12 लाख स्कूल रहेंगे सरकारी तब तक ये खबरें आती रहेंगी। अब बेचने का समय है। जब स्कूल बिकता है तो केवल स्कूल नहीं बिकता, स्कूल के नीचे जो जमीन है वो भी बिकती है। ये जमीन की लड़ाई है, ये रियल एस्टेट का धंधा है। शिक्षा तो धंधा है ही, उसके नीचे की जमीन उससे बड़ा धंधा है। कल्पना की 1174 स्कूल मुंबई शहर के जब बिकेंगे, उनके नीचे जो जमीनें हैं जिसमें फुटबॉल का मतलब मैदान भी शामिल है, तो अरबों रुपये की जमीन उसके साथ जाएगी। भारी धंधा है। इसके खिलाफ क्या महाराष्ट्र के लोग एकजुट होकर प्रतिरोध करेंगे नहीं करेंगे, ये खुला सवाल है हम सबके लिए, केवल आपके लिए, हम सबके लिए। इसमें ज्ञान की बात जरूर कर दो। इस सारे बर्बाद करने और बिगाड़ने के दौरान जो हमला हुआ है वो ज्ञान के चरित्र पर हुआ है। जो ज्ञान दिया जाएगा उसके बारे में भारत के दो महान शिक्षाविदों ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था सन 2000 में, जो उन्होंने उस तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के आर्थिक सलाहकार कमेटी को पेश की थी। भारत के दो महान शिक्षाविदों ने, एक का नाम है मुकेश अंबानी, दूसरे का नाम है कुमार मंगलम बिरला। अंबानी बिरला रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार उच्च शिक्षा के लिए अब पैसा लगाना बंद कर दे। मतलब ज्योतिराव फुले के खिलाफ लिखती है। हम नहीं मानते फुले को, वो घोषित कर रही है उसको पैसा देना बंद कर दिया जाए, क्योंकि भारत का बाजार तैयार है उसमें पैसा लगाने के लिए। और माध्यमिक शिक्षा जिसको सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, 9वीं से 12वीं तक की, उसको धीरे धीरे उसमें पैसा लगाना बंद कर दिया जाए, कि उसके लिए भी हम तैयार हैं, बाजार तैयार है। बाकी 8वीं क्लास के नीचे लगाना लगाते रहिए, हालांकि अब नहीं कहेंगे, वो सन 2000 की रिपोर्ट है, अब तो उसमें बहुत पैसा दिख रहा है उनको। ये क्रियान्वित हो चुका है। तो जब बाजार पैसा लगाएगा तो तय करेगा किस ज्ञान में से, किस तरह के ज्ञान में से कितना मुनाफा होता है। वो हर प्रकार का ज्ञान नहीं देगा। वो क्यों आपको सिखाएगा आजादी की लड़ाई का इतिहास क्या है, कैसे हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर एकजुट होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई और बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व सौंप दिया, ये क्यों बताएंगे? तो बहुत खतरनाक तथ्य है ना। ये बताकर इस देश की एकजुटता बनी रहेगी पूरे इस पूंजीवाद के आक्रमण के खिलाफ, जो नव उदारवादी चरण है पूंजीवाद का उसके खिलाफ, जो भारत की एकजुटता है वो तोड़ना जरूरी है। ये क्यों पढ़ाया जाएगा कि आजादी की लड़ाई 1857 की जो थी वो सब लोगों ने मिलकर लड़ी, तो कोई जाति और धर्म के अंतर नहीं बच गए थे।
और सारे देश में लड़ी गई एक ही टाइम पर, कोई दो साल पहले लड़ी, किसी दो साल बाद लड़ी। ये क्यों सिखाया जाएगा? इससे बाजार का कौन सा मकसद पूरा होता है? कॉरपोरेट पूंजी का कौन सा भला होता है मुझे बताइए? अंबानी बिरला को छोड़िए, अब तो माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है ना, तो छोड़िए अंबानी बिरला को, अब तो मैकडोनल्ड को सौंपा जा रहा है हिंदुस्तान, कैंटकी चिकन को सौंपा जा रहा है, जनरल मोटर्स को सौंपा जा रहा है, फोर्ड को सौंपा जा रहा है। अब तो बात बदल चुकी है ना, क्योंकि भारत के तमाम कॉरपोरेट पूंजी में अब विदेशी पूंजी शामिल है, उसका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। जब नए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम रक्षा के क्षेत्र में 50% या 49% 49% FDI की इजाजत देने जा रहे हैं, तो संघ परिवार के प्रमुख ने एक मीटिंग में मध्य प्रदेश में कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कहा था हम रक्षा के क्षेत्र में 26% FDI करने जा रहे हैं, तो हमने इसका विरोध किया था कि हम स्वदेशी के पक्ष में थे। अब ये नई सरकार बोल रही है हम 49% करने जा रहे हैं, पर माहौल बदल चुका है, अब बाजार का माहौल है, अब हमको नए प्रधानमंत्री की बात को स्वीकारना होगा। संघ परिवार के अध्यक्ष का बयान है, संघ परिवार भी बदल रहा है नव उदारवाद के साथ। हम क्यों सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं? केवल इसलिए नहीं कि हिंदुओं मुसलमानों को बांटती है, इसलिए हिंदुस्तान के तमाम मजदूर वर्ग को बांटती है। कोई लड़ाई तो मजदूर वर्ग लड़ेगा ना जमकर, मध्यम वर्ग तो हमेशा सोचता रहता है लड़े या ना लड़े, बहुत उसको दिक्कत होती लड़ने में। इसमें शहीद शंकर गुआन योगी, नाम नहीं सुना तो आप इतना ही सुन लीजिए और नहीं बताऊंगा, छत्तीसगढ़ के खदान मजदूरों के अद्भुत विलक्षण नेता, उनके साथ ये अरविंद गुप्ता बैठे, उन्होंने काम किया हुआ है। शहीद शंकर गुआन योगी ने इस पर बहुत बढ़िया बात की थी, उनसे किसी मीटिंग में हमारे जैसे मध्यमवर्गीय समाजकर्मियों ने पूछ लिया कि योगी जी ये बताइए, उनकी शहादत हो गई 1991 में, मार दिया उद्योगपतियों ने, तो उनसे पूछ लिया किसी ने कि हम लोगों की क्या भूमिका होगी क्रांति में, तो योगी जी वहाँ से उठ के मुस्कुराते हुए बीड़ी पीने चले गए बाहर। फिर को बुलाया गया, अभी बीड़ी आपने बहुत पी ली, लौट आइए, हमारे सवाल का क्या हुआ? तो योगी जी लौट के आते हैं, कहते हैं जा सवाल दोहरा दीजिए, दोहराया गया, सचमुच इसका जवाब जानना चाहते हैं, जी हाँ जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए बात ऐसी है कि जो मध्यम वर्ग है, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, आप लोगों के जैसा, मतलब मेरे जैसा, मैं बैठा हुआ था तो मेरी ओर इशारा हुआ था, आपके जैसा जो मध्यम वर्ग है उसके पास इतिहास का बहुत ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, उसको तमाम भाषाओं का ज्ञान है, वो जानता है औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, मजदूर नेता बात कर रहा है हमसे। तो जब वो क्रांति के लिए पहली लड़ाई लड़ना शुरू करता है, एक रैली में कदम बढ़ाता है, कदम बढ़ाते ही उसको राजसत्ता की बंदूक की नली दिख जाती है। हमारा मजदूर साथी जो है वो इतिहास नहीं जानता, विज्ञान नहीं जानता, उसको औद्योगिक क्रांति के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए बहादुरी के साथ अंतिम तक लड़ता रहता है। तो बड़ी भारी हमारी दिक्कत है ना मध्यम वर्ग की, इसको पार करना होगा। अभी आपने कितने दो जबरदस्त गाने सुने ललकारते हुए हमको, उन युवा साथियों को मैं सलाम करता हूँ, केवल गाने नहीं गाएंगे हम लड़ेंगे भी, सड़कों पर लड़ेंगे, लड़ना होगा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बचाना है। मैंने अभी उदाहरण स्कूलों के दिए, यही उदाहरण उच्च शिक्षा का है, उस शिक्षा की और बर्बादी है, जिस रेट पर जिस गति से उच्च शिक्षा बेची जा रही है वो स्कूल व्यवस्था के बेचने की गति से कहीं ज़्यादा है, पूरे कैंपस बिक रहे हैं और सारा पैसा भारत सरकार लगाने को तैयार है। और जैसा आप सुन चुके हैं हर साल 5.5 से 6 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट हाउसेस का, घरानों का माफ किया जाता है टैक्स माफी, और रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड बताते हैं हर साल 70 से 80 हजार करोड़ रुपया जो कर्ज लिया है बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने वो कर्ज माफ किया जाता है। आप गलत नहीं सुन रहे, विदर्भ के किसानों का कर्ज नहीं माफ किया जाता जो 1000 रुपये का 2000 रुपये का होता है, 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हर साल माफ किया जाता है, रिजर्व बैंक दबे स्वरों में रिपोर्ट करता रहता है, पैसों की कमी कहां। और मैं आगे बढ़ के आज ये कहना चाहता हूं भारत में एक भी निजी शैक्षिक संस्थान नहीं है, एक भी। आप कह क्या अजीब सी, अभी तो आप उनके खिलाफ बोल रहे थे, अब आप बोलने लगे एक भी नहीं है, एक भी नहीं है।
जितने शैक्षिक संस्थान हैं उनको कहीं ना कहीं से सरकार की सब्सिडी मिलती है, जमीन से शुरुआत करके बिजली के रेट तक, पानी के रेट तक। इनकम टैक्स तो इस धंधे पर माफ है ना, ये मालूम है ना, एक बात धंधा जिससे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, पान की दुकान से इनकम टैक्स लिया जाता है, रिक्शा चलाने वाले से अगर वो कमा ले उतना तो उससे भी ले लिया जाएगा, टैक्सी वाले से लिया जाता है, शेयर बाजार में सट्टा खेलने वालों से लिया जाता है, उनका नियमन भी होता है कंट्रोल करने के लिए, सेबी बनी हुई है। लेकिन शिक्षा एक वो धंधा है केजी से पीजी तक का जिसमें इनकम टैक्स नहीं लगता, मनमाने ढंग से मुनाफा कमाओ, कोई आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, खुला धंधा है, इससे बेहतर, इसलिए सारा पैसा अब लग रहा है इसमें, और साथ में जमीन मिलेगी आपको, और जो चालाकियां हो रही हैं ऊपर उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। अब और समय नहीं है, मुझे खत्म करना चाहिए, आप लोग नहीं उठ के चले जाएंगे यहां से। राजस्थान की सरकार ने पहले एनडीए के समय, वो वसुंधरा राजे की सरकार ने, उसके बाद गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, दोनों ने कुल मिला के 13 निजी विश्वविद्यालय खड़े किए राजस्थान में, हर एक को सैकड़ों हेक्टेयर जमीन दी, उसके लिए जो कानून पास किया, हर एक का अलग अलग कानून पास हुआ, कानून एक जैसे ही थे, उन कानून के आखिरी सफ़े में, आखिरी हिस्से में दो लाइन का एक वाक्य है, उनको सैकड़ों हेक्टेयर जमीन सरकार ने दे दी थी, दो लाइन का एक वाक्य जो कहता है, इस पार्टी को जिसको जिसके लिए एक्ट बन रहा है, इस पार्टी को अगर कभी लगा भविष्य में कि वो उच्च शिक्षा का काम नहीं करना चाहती, तो उसके पास जो चल और अचल संपत्ति है वो उसी के पास रहेगी। क्या कुछ और कहने की जरूरत है? उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार को भी समझ में नहीं आया कितना बढ़िया कानून है। अब जितने कानून बनेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार बना रही है ऐसे कानून, आपकी सरकार भी बनाएगी, जो दे दिया आपको रियायती दरों पे मुफ्त दे दिया वो सब आपका रहेगा, आप चाहे वहाँ पर सॉफ्टवेयर की दुकानें खोलो, चाहे आप सब लोगों को, सब भारत के लोगों को गोरा बनाने की क्रीम बनाने की खोलो, वो बाज़ार खुल गया ना, नया बाज़ार है। इस बाज़ार को बड़ी दिक्कत है, दुनिया के बाज़ार को, बाज़ार पटता जा रहा है ना, तो शिक्षा का बाज़ार खोल दिया, आरोग्य का बाज़ार खोल दिया, अब नहीं समझ आ रहा कहाँ पूंजी लगाएं, कहाँ मुनाफा कमाएं, तो देश के लोगों को गोरा बनाने का खोल दिया, पहले लड़कियों को गोरा बनाया, जब वो बाजार पट गया फिर लड़कों को बनाने लगे। देखिए ये पूरे नव उदारवादी पूंजीवाद की वो उनकी बेचारों की तकलीफ समझिए ना, उनको बाजार चाहिए, लूट का बाजार चाहिए, हमारा कच्चा माल चाहिए, वो लूटा जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के इलाकों से, आपके जंगल साफ किए जाएंगे, आपकी खदानें लूटी जाएंगी, सस्ती दरों पे लूटी जाएंगी, वो एक तरीका, और आपके बाजार, नए नए बाजार खोले जाएंगे, अस्पतालों का बाजार, स्कूलों का बाजार, विद्यापीठों का बाजार, और अब गोरा बनाने का बाजार। हम हैं तो असल में नस्ल, बहुत ही नस्लवादी मुल्क ना, तभी उन तीन अफ्रीकी नागरिकों को हमला कर देते हैं दिल्ली में, निहायत नस्लवादी लोग हम, ये सब हमारी जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। साथियों, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, MIT के, यहाँ की MIT नहीं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मायरन वाइनर की बात याद कर रहा हूँ। वो 1990-91 में एक साल बिताने भारत आए, और उन्होंने उस एक साल में घूम घूम के नौकरशाहों से बात की, राजनेताओं से बात की, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से बात की, बड़े बड़े प्रोफेसरों के पास गए, वो NGO वालों के पास गए, उन सब के पास गए जो बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, और सबसे उन्होंने एक सवाल पूछा कि भारत में इतने बाल मजदूर हैं जो स्कूल नहीं जाते, इनका क्या होगा? और सब ने उनको जवाब दिया, वो तो है ही, गरीबी है तो ऐसा होता ही है, इसमें कौन सी खास बात है, ये तो चलता रहेगा, हमेशा होता रहा है, पिछली जाति के बच्चों ने पहले भी नहीं पढ़ा था, अब भी नहीं पढ़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी हम तो पढ़ लिख रहे हैं ना, बताया हम सब देख कितना पढ़ लिख रहे हैं। तो गैर बराबरी की शिक्षा व्यवस्था पे मोहर लगी सबकी, तो उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसका नाम है भारत में बच्चे और राज्य, द स्टेट एंड द चाइल्ड इन इंडिया। उसमें उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है, कहा कि मैं हैरान हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने ताकतवर लोग, इतने पैसे वाले लोग, इतने अलग अलग तबकों के लोग, सबकी एक ही राय, तो होता ही रहेगा, तो मैं ढूंढ रहा हूँ इसकी बुनियाद कहाँ है, इसकी जड़ें कहाँ हैं इस सोच के पीछे, और जड़ें मुझे दिखती हैं भारत की वर्ण व्यवस्था में, जिसमें तय कर दिया गया है कि
कि देश की तमाम जनता को ज्ञान से वंचित रखा जाएगा, वो आज भी लागू है। इसलिए बाबा साहब का 1936 का भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक भारत की जाति व्यवस्था पे चोट नहीं होगी, उसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्याएं न गरीबी की हल होने वाली है, न जमीन के गैर बराबरी के वितरण की, न पूंजी के गैर बराबरी के वितरण की, और ना ही सबको बराबर का आरोग्य की सुविधा मिले और बराबर की शिक्षा व्यवस्था मिले। इस प्रकार की लड़ाई है। मैं आपको एक स्लाइड दिखा दूँ, अगर अतुल जाग रहे हैं तो, वो आखिर की आखिरी आखिरी 28वीं स्लाइड एकदम एंड में जाइए, एक फोटोग्राफ दिखेगी आप 28 नंबर 28 की, खोल दीजिए अतुल खोल देंगे। वो उन्होंने सोचा मैं लगातार इस्तेमाल करूँगा तो मुझे लगा जरूरत नहीं, बिल्कुल आठ हाँ रुकिए रुकिए वो तो फोटो हाँ वो बस यहाँ रोक लीजिए, ये फोटोग्राफ दिखा दीजिए, वो जो फोटोग्राफ थी जहाँ थे ठीक थे आप, बिल्कुल ठीक थे आप, सही जगह पे थे, सही जगह पे थे, 28 नंबर की है वो। हाँ बस रुक जाइए रुक जाइए, जब तक आप इसको समझने की कोशिश करें कहाँ की है, अंदाज लगाइए, ये 3 साल पुरानी फोटोग्राफ है। इसके पहले मैं गांधी का वो मशहूर बात आपको सुना दूँ। 1920 में गुजरात विद्यापीठ बनी उसी आह्वान से कि ब्रिटिश हुकूमत के संस्थानों से बाहर निकलो अपनी बनाओ, तो गुजरात विद्यापीठ बनी, स्थापित हो गई। उसके 8 साल बाद गांधी वहाँ पे गए और विद्यार्थियों को भाषण दिया। वो अपने भाषण में कहते हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप गुजरात विद्यापीठ में पढ़ते हैं, क्योंकि गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थी दक्षिण गुजरात में बारडोली के किसान सत्याग्रह में शामिल हुए, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो चलता था, बारडोली के किसान सत्याग्रह में शामिल हुए हैं और उस लड़ाई के कारण उनको जेल में डाल दिया गया है। हमें फक्र है गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थी जेल में है और यहाँ पर नहीं है। और अगर आप ब्रिटिश हुकूमत के संस्थानों में पढ़ रहे होते तो आपको ये मौका नहीं मिलता लड़ने का और जेल जाने। एक शैक्षिक संस्थान यूनिवर्सिटी में वो कह रहे हैं आपको मौका नहीं मिलता। आज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में आवाज़ खड़ी करता है तो उस पर गोलियां चलती हैं, टेयर गैस चलते हैं, टेयर गैस फेंकी जाती है और कहा जाता है जरूर नक्सलवादी होंगे, माओवादी होंगे। जादवपुर में हुआ ना, उनको ढूंढ ढूंढ के कहा जा रहा है इनको पकड़ के माओवादी बांध के जेल में डाल दो, क्योंकि इन्होंने असहमति जाहिर कर दी बलात्कार के मामले में। एक लड़की का बलात्कार होता है, उनकी सपाटी निका वो आवाज़ उठाते हैं बलात्कार नहीं होना चाहिए, सही ढंग से इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के अनुसार इस पर काम होना चाहिए, वो नहीं होता, वो हड़ताल करते हैं, वो घेराव करते हैं, तो उन पर टेयर गैस होती है, गोलियां चलती हैं, अस्पताल पहुंचते हैं, दो मर जाते हैं। गांधी कहता है संघर्ष करो, अम्बेडकर बोलते हैं संघर्ष करो। ये बच्चे स्कूल के बच्चे, पीछे महिलाएँ हैं, ये स्कूल के बच्चे अगली कतार में कहाँ पर है अगर नहीं समझ में आ रहा, ये बच्चे उड़ीसा के हैं, जगतपुर सिंह जिले के हैं, जो जगतपुर सिंह जिले के हैं, जो एक महा ताकत पूंजी की कोरियन कंपनी पॉस्को के खिलाफ लेटे हुए हैं कि हमारे घरों की जमीन हम आपको नहीं देंगे। रेतीली जमीन में धूप में लेटे हुए, रेतीली जमीन गर्म हो रही है इसलिए थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। आपको मालूम है जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके प्रधान पाठक को नोटिस दे दिया कि शिक्षा अधिकार कानून का उस दिन हनन हुआ है क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं थे। जब मीडिया वालों ने पूछा उनकी माओ से कि बच्चों को तो स्कूल में होना था, शिक्षा अधिकार कानून कहता है, तो बच्चे बोले हम बताते हैं हम पहले अपने घर तो बचा लें फिर स्कूल जाएंगे, पर शिक्षा अधिकार कानून बनाने वालों को अंदाज नहीं है कि बच्चों के घर छीने जा रहे हैं, पॉस्को कंपनी छीन रही है, और इनके पीछे ये कहीं बगावत न कर दें सशस्त्र पुलिस उड़ीसा की खड़ी हुई है जिसका खर्चा आपने हमने चुकाया है, हमारे टैक्स से सशस्त्र पुलिस इन बच्चों के पीछे खड़ी हुई है। अगला दिखाइए, ये एक और उसी की फोटो भी, नेक्स्ट, ये बच्चों को देखिए। और इन बच्चों ने, इनकी माओ ने पॉस्को के खिलाफ जिस संघर्ष की कल्पना की, आप सोचिए पूछिए किस भाषा में की, क्या अंग्रेजी में की, उन्होंने उड़िया में की, उड़िया भाषा में उन्होंने आजादी की लड़ाई की, अपनी आजादी की लड़ाई की चेतना की, जो बात गांधी ने कही थी, जो सावित्रीबाई फुले ने कही थी, अपनी भाषा के जरिए, अपनी भाषा के जरिए आधुनिक ज्ञान भी मिलता है, बेहतरीन मिलता है, दुनिया के सारे भाषाविद और शिक्षाविद मानते हैं।
और अपनी भाषा के जरिए कोई और भाषा, चाहे चीनी सीखनी हो, जापानी सीखनी हो, तेलुगु सीखनी हो, तमिल सीखनी हो या अंग्रेज़ी सीखनी हो, वो ज़्यादा बेहतर सीखी जाती है। मेरी पीढ़ी के और मेरी अगली पीढ़ी के सब लोगों ने अपनी मातृभाषा के जरिए बेहतरीन अंग्रेज़ी सीख ली, कोई दिक्कत नहीं आई। इस भ्रम को तोड़ना होगा। क्या फ्रांस के बच्चे जो अंग्रेज़ी सीखते हैं तो फ्रेंच माध्यम के स्कूलों में जाते हैं या अंग्रेज़ी माध्यम के? जर्मन के, जर्मनी के बच्चे जो अंग्रेज़ी सीखते हैं तो जर्मन माध्यम के स्कूलों में सीखते हैं या अंग्रेज़ी के माध्यम के स्कूलों में सीखते हैं? और पूरे लैटिन अमेरिका के बच्चे जो स्पेनिश भाषी हैं, वो क्या स्पेनिश भाषा के माध्यम के स्कूलों में अंग्रेज़ी सीखते हैं या अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में? ये बीमारी कहाँ की है? ये अफ्रीका के और दक्षिण एशिया के पूर्व औपनिवेशिक देशों की है, जो मैकॉले के द्वारा पैदा की गई हीन भावना में जी रहे हैं कि हमको अगर अंग्रेज़ी सीखनी है तो मातृभाषा के जरिए नहीं, अंग्रेज़ी माध्यम के जरिए सीखनी, और इसलिए कभी नहीं सीख पाते। न अंग्रेज़ी सीखते हैं, न मातृभाषा सीखते हैं, उनकी अभिव्यक्ति नष्ट की जाती है। ये लड़ाई लड़ने वाले बच्चे हैं, उनकी उड़िया मजबूत है, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति, उनके सपने भी मजबूत हैं। आखिरी दिखा दीजिए, ये मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, ये जो जातिवाद और पितृसत्ता से उपजी हुई दुनिया के बाजार के हुक्म पे चलने वाली भारत की शिक्षा व्यवस्था, नवोदारवादी नीति पे चलने वाली भारत की शिक्षा व्यवस्था है, क्या आप चाहते हैं इसका क्रियान्वयन होता रहे या इसके खिलाफ आप एक गांधी अम्बेडकर के सपने से निकली हुई समान शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई के लिए, जो पूरी तौर पर मुफ्त होगी, एक रुपया भी फीस जहाँ नहीं लगेगी, एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा विद्यार्थी को, ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो संवैधानिक दृष्टि है उसके लिए आप खड़े होने को तैयार हैं? अगला दिखा दीजिए। और इसलिए ये नारा 1930 का, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो, ये 1930 के लिए बिल्कुल सटीक था और आज भी उतना ही सटीक है जितना उस समय था। लेकिन जो बदले हुए हालात हैं, नवोदारवादी हमले के कारण जो ज्ञान पे हमला हुआ है, व्यवस्थाओं पे हमला हुआ है, परत दर परत भेदभावपूर्ण शिक्षा व्यवस्था खड़ी की गई है और करोड़ों बच्चों को बाहर किया गया है शिक्षा व्यवस्था से, इसलिए उनकी भाषाएं छीनी गई हैं, उनका समानता का अधिकार छीना गया है, ज्ञान उत्पादन का अधिकार छीना गया है, इसके कारण ये संघर्ष 1930 के दौर का संघर्ष आगे बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। हमें भाषाओं की मुक्ति के लिए, अपने ज्ञान को वापस हासिल करने के लिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्निर्माण करना होगा, उसकी लड़ाई जारी रखनी होगी। ये तकाजा है बाबा साहब अम्बेडकर के नारे का। और इसलिए अगला दिखा दीजिए, मैं आपको आह्वान देता हूँ कि जो हम 2 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरे देश में अखिल भारत स्तर की शिक्षा संघर्ष यात्रा, शिक्षा यात्रा नहीं, संघर्ष महत्वपूर्ण शब्द है, निकाल रहे हैं, ताकि 4 दिसंबर के बाद यात्रा खत्म हो जाएगी लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, उसमें आप सब शामिल हो, यह आह्वान है मेरा आप सबको। धन्यवाद।